हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कल आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप जीएसटी बिल बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो उसी की कड़ी में आगे भी बताऊंगा। से जीएसटी जो है अलग अलग टाइप की होती है। सी जीएसटी, एस जीएसटी तब लगती है जबकि आपका स्टेट सेम हो, और आई जीएसटी तब लगती है जब आपका स्टेट डिफरेंट हो। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये एक्सेस ओपन किया, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ न्यू डेटाबेस का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाता है 149, और ये एक्सटेंशन है .accd भी। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये व्यू आएगा, व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर टेबल का नाम आएगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट टेबल, ये दे दिया हमने। अब यहाँ पर आ रही है आईडी, तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट लिख दिया, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। और यहाँ पर आएगा शॉर्ट टेक्स्ट। तो डेटा टाइप आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, लार्ज नंबर है, डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस और नो है, ओएलई ऑब्जेक्ट है, हाइपर लिंक है, अटैचमेंट है, लुकअप विजिट, तमाम तरीके के ये डेटा टाइप आपको दिखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो यहाँ प्राइस कर देते हैं। और प्राइस हमेशा की तरह करेंसी डेटा टाइप क्या रखेंगे, करेंसी। और यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे, जब भी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमेशा नंबर डेटा टाइप रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या रखना है, हमेशा डबल रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेसिमल में भी कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए तो डबल ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल हम करते हैं, यानी कि टोटल कितना हुआ वो काउंट यहाँ पे होगा। तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप को उठाएंगे और यहाँ पर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा यूनिट से, प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट भी हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर बात करेंगे टैक्स इन परसेंटेज, या टैक्स परसेंटेज कर देते, खाली टैक्स परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज। तो टैक्स का क्या परसेंट रहा वो यहाँ पर आएगा, तो ये कर दिया हमने। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर परसेंटेज कितना लगता है, जैसे 5%, 10%, 12%, 18%, 21% या 28% में से कोई एक यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, मतलब समझ में आया ना। अब यहाँ पे नंबर करेंगे और नंबर करके इसको बनाएंगे क्या, डबल। पहले तो इसे डबल जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे फॉर्मेट कर दीजिएगा परसेंटेज, अब ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट परसेंटेज कर दिया। अब लाइक आईजीएसटी लिखता हूँ, और यहाँ पर कोई ड्रॉपडाउन नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करूंगा। तो ये कैलकुलेटेड हमने लिया, और चूंकि हमारा परसेंटेज आएगा टोटल में ही, तो ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर टैक्स परसेंटेज से, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज, ये हो गया, बस काम हो जाएगा इतने से, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आईजीएसटी हमने लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर सी जी एस टी, एस जी एस टी का क्या प्रावधान होगा, ये भी हमको देखना होगा। अगर आपको सिर्फ जीएसटी देना होता, चाहे वो आई जी एस टी हो, ये क्लियर नहीं करते हम, तब तो ये काम कर जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप आई जी एस टी देते हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर सी जी एस टी, एस जी एस टी देते हैं तो यहाँ पर सी जी एस टी, एस जी एस टी अलग से कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड रखना है। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे टोटल डालिएगा, ये टोटल पे ही तो परसेंटेज कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाई सी जी एस टी कर दीजिएगा, सी जी एस टी, इस तरीके से सी जी एस टी कर दीजिएगा। और सी जी एस टी में जो कैलकुलेट करेंगे वही आएगा। तो ये यहाँ पे सी जी एस टी में हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड ना रख करके क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, इसको कट करते हैं सी जी एस टी, ठीक है। तो सी जी एस टी किसके बेस पे कैलकुलेट होगा, और यहां कर देते हैं सी जी एस टी, एस जी एस टी, एस जी एस टी, ठीक है। तो दोनों को मिला करके ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सी जी एस टी और एस जी एस टी को ऐड करेंगे, ठीक है। सी जी एस टी, एस जी एस टी कैसे, ये भी कैलकुलेट किसके बेस पे होगा, तो ये भी कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटेड डेटा टाइप तो यहां पर भी रहेगा। और यहां पर हम करेंगे टोटल, टी ओ टी ए एल, टोटल मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, टैक्स परसेंटेज, नहीं क्या करेंगे, टोटल मल्टीप्लाई बाई टैक्स परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज, ये हो गया टैक्स परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका ये बन करके तैयार है। और यहाँ पर अब आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया कीबोर्ड, के ई वाई बी ओ ए आर डी, तो कीबोर्ड हो गया। और यहाँ पे प्राइस डालेंगे 400 रुपये, 500 रुपये, जो भी प्राइस है।
और यहाँ पे यूनिट 6 कर दिया हमने, तो यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर टैक्स इन परसेंटेज, मान लीजिए इस पर 10% का टैक्स लग रहा हो, तो 10% के हिसाब से आईजीएसटी कितना आएगा वो भी दिखा रहा है, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी आता है तो वो कितना आएगा वो भी दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यानी टोटल टैक्स जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ लाइक एलईडी टीवी कर देता हूँ, तो ये एलईडी टीवी किया, तो एलईडी टीवी थोड़ा महंगा आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 25,000, तो यहाँ पे 25,000 हो गया, और यहाँ पर आएंगे 6 कर देते हैं, और यहाँ पर वापस से 10% लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम अमाउंट का ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है, लेकिन लागू दोनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों लागू हो जाएगा, ठीक है।